चीज का डर था जो मैं अभी बोल रही थी कि गेट है, स्टूडेंट गेट है, वो सीरियसली एक स्कैम था। कि वो स्कैम ना शुरू हुआ था मेट्रो स्टेशन से निकलते ही। इग्नोर, जितना इग्नोर कर सकते हो उतना इग्नोर करना है। जब आप कायरो में हो तो आपको काफी केयरफुल होने की जरूरत है। टूरिस्ट आएंगे ही नहीं, फिर करोगे क्या, घुमाते रहना अपने आप को। और पहले उसने एक अच्छा इंसान बनने के नाते क्या किया, हमारे ऑटो के 30 पाउंड लगे थे, वो 30 पाउंड खुद दे दिए। स्कैम पैम ये सब तो चलते रहते लाइफ में और ये चलते रहेंगे, ठीक है। आप आए हो, एंजॉय करो। इन स्कैम्स के अलावा इजिप्ट की एक पॉजिटिव साइड भी है, यहाँ का खाना एक फलाफल के कॉस्ट है सिर्फ 5 पाउंड। अलग अलग तरीके से बनी हुई स्वादिष्ट मिठाइयाँ एकदम मजेदार है। उमाली यहाँ की पास, और यहाँ की बेइंतहा खूबसूरत हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट दिल खुश कर देता। पर इतना ही अच्छा लग रहा है इनको देख के, ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं सपना ही देख रही हूँ। यहाँ पिरामिड, वहाँ पिरामिड, जहाँ देखो वहाँ पिरामिड, वाह भैया वाह। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस चैप्टर में हम आपको लेके जाएंगे गीजा के पिरामिड्स दिखाने के लिए। और हमारा दिन वैसे काफी जल्दी शुरू हो गया था क्योंकि हम लोग कल रात नग हमीदी से, केना से, यानी कि हम लोग सुबह पहुंचे थे कायरो। सुबह 6 बजे हम लोग कायरो पहुंच गए थे। वहाँ से फिर हम लोग गए अपने BNB, फ्रेशन अप हुए, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। तो आपको थोड़ा टाइम ट्रैवल कराते हैं, पीछे लेके चलते हैं, अपना हाउस टूर देते हैं जहाँ पर हम रुके हैं, उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे गीज़ा, क्योंकि इस टाइम हम लोग जा रहे हैं पिरामिड्स देखने के लिए। और हम लोग पहुँच चुके हैं गीज़ा मेट्रो स्टेशन। तो चलो, ये दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है, लेट्स स्टार्ट। इजिप्शियन फैमिली के साथ एक ब्यूटीफुल समय बिताने के बाद हम लोग रात भर इन सुनसान सड़कों पर दौड़ने के बाद पहुंच जाते हैं कायरो, और वहां जाते ही सीधा बुक करते हैं अपनी टिकट टुवर्ड्स अलेक्जेंड्रिया। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं कायरो में। हमारी बस ने हमें ड्रॉप कर दिया था अराउंड 6:30 AM इन द मॉर्निंग, और हम लोग अभी खड़े हैं रामसेस रेलवे स्टेशन में, क्योंकि हमें जाना है अलेक्जेंड्रिया वन डे ट्रिप के लिए। सुबह जाएंगे और शाम में वापस आ जाएंगे या रात में वापस आ जाएंगे, तो उसके लिए हमें लग रहा था कि प्रेफर्ड इज ट्रेन, क्योंकि थोड़ा टाइम पे भी चलती है और रामसेस स्टेशन जो है वो बिल्कुल सेंटर में डाउनटाउन के पास है, तो हमारे लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमें रामसेस स्टेशन में, और पता कर रहे हैं अलेक्जेंड्रिया की ट्रेन की टाइमिंग का, टाइमिंग क्या है, अवेलेबिलिटी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी इंडियन रेलवेज की तरह थोड़े दिन पहले आपको बुकिंग करानी होती है। तो अवेलेबिलिटी, टाइमिंग और प्राइस, ये तीनों का एक बार हम पता कर रहे हैं, और जैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अरे देखो हमारा लड़का आ गया, हमारा लड़का आ गया। ओ, मिल गई टिकट? यस। कब की मिली? कल सुबह 8:10 पे यहाँ से ट्रेन जाएगी, सेकंड AC। हाँ। और रात को वहाँ पे जो लास्ट ट्रेन वापस आएगी वो भी 8:10 पे ही है। अच्छा। तो हमारे पास टोटल 12 घंटे हैं, जिसमें से हमारा लगभग 5-6 घंटा ट्रैवल टाइम है, और इतना ही हमारे पास टाइम है घूमने के लिए। अच्छा, और कितने की आई ये टिकट? हमें पड़ी है 222 रुपए की चारों टिकट, मतलब 111 रुपए की एक साइड, 55 रुपए के अराउंड। हाँ, मतलब 55.5। हाँ। और VIP जो ट्रेन है उसमें एक बंदे की एक साइड की टिकट 125 पाउंड। और VIP की मैं बात अगर जो ये VIP की बात है, जो कि अगर आप रामसेस स्टेशन पे आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर है, और आप नीचे से भी बुक कर सकते हो, नीचे भी काउंटर है। अच्छा, VIP का मतलब वो एक ही काउंटर सारे टिकट बुक कर रहे हैं। अच्छा। तो VIP बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, कोई फायदा नहीं था बुक कराने का, इसीलिए हमने जितने में VIP की एक साइड की टिकट नहीं हो पाती कम में आना जाना टोटल हो गया, मतलब 55 पाउंड में हम एक बंदा जा सकता है पर पर्सन फ्रॉम कायरो टू अलेक्जेंड्रिया। और सेकंड सीटर है, सेकंड एसी, सेकंड एसी, वाओ, सेकंड एसी। चलो, ट्रेन टाइम में लगभग 2.5-3 घंटे में पहुंचा देंगे। चलो, अब कल का ट्रिप होगा हमारा अलेक्जेंड्रिया का, आज का ट्रिप होगा हमारा पिरामिड्स का और बाकी कायरो में आसपास क्या क्या देख सकते हैं वो जरूर एक्सप्लोर करेंगे। हम अपने BNB की तरफ जा रहे थे तो हमें ब्रेकफास्ट की दुकान मिल गई, और हमने ऑर्डर करा है फलाफल, एक फलाफल की कॉस्ट है सिर्फ 5 पाउंड। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने BNB आम्र के घर, और भैया फटाफट भाग गया बैग लेकर। दिस इज आवर होस्ट, हाय हाय। सो दिस इज आवर अपार्टमेंट। तो अभी हमने चेक इन कर लिया है अपने BNB में, और जो चेक इन टाइम था वो था 12 बजे। यहाँ पर ना लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट है चेक इन टाइम को लेकर, बट अभी 10 बज गए तो हम आ गए यहाँ पर, बैग्स वगैरह रख दिए हैं। और नेक्स्ट प्लान ये था हमारा कि हम थोड़ा नहा धो के फ्रेश होकर हम पिरामिड्स देखने जाएंगे, तो हमारा प्लान अभी भी वैसे ही है। आए हैं थोड़ा अराउंड 1-1.5 घंटे तक, 11:30 तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे पिरामिड्स की ओर। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ रूम टूर। तो एंट्री करते ही ये है छोटा सा एक लिविंग एरिया,
ये उन्होंने दिया है स्टडी एरिया और यहीं पर ही राउटर लगा है। तो ही वाज सेइंग कि अगर आपको कुछ ऑफिस का कुछ काम करना है तो आप वहां पर कर सकते हो, हाई स्पीड इंटरनेट आता है, अच्छा रूम है काफी। सो ये एक छोटा सा टीवी, अलमीराज और इनफैक्ट फ्रिज भी है, तो पूरा एक अपार्टमेंट सा ही बना रखा है। विच हैज अ बेडरूम विच इज सफिशिएंट फॉर टू पीपल, अ वार्डरोब एंड देन अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड स्वीट वॉशरूम। दिस इज अ फुली लोडेड किचन जिसमें आपको मिलती है चाय, कॉफी, टर्किश कॉफी, इजिप्शियन कॉफी, जो पीना है पी लो। इस फुली फंक्शनल गैस स्टोव को यूज करके आप खाना भी बना सकते हैं। और पहली बार अभी तक मैंने देखा है इजिप्शियन फ्लैट में कि पानी का आरओ लगा हुआ है यहाँ पर, नहीं तो अभी तक हम पानी, जैसे बताया था आपको पिछले व्लॉग में, हम परचेज कर रहे थे, बट यहाँ पर अब परचेज करने की जरूरत नहीं है, इस सेट के आप यूज कर सकते हो। और जरूरत पड़ने पर आप यहाँ रखी इस वॉशिंग मशीन का भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा मैंने बुक कराया है एयरबीएनबी से। अगर आपको इस पसंद आए और अगर आप इजिप्ट या कायरो आना चाहें तो आप हमें डीएम कर सकते हैं @veggiewander या @nomadictwin और हम आपको इसका व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। ये जो लोकेशन है बहुत प्राइम लोकेशन पर है, सब कुछ चीजें बहुत पास में है, मेट्रो स्टेशन 2 मिनट की दूरी पे है, तो जबरदस्त जगह है। और अभी आपको लेके चलते हैं गीजा के पिरामिड दिखाने के लिए। बिल्कुल, कायरो एक ऐसी सिटी जहां पर आपको हर जगह सिर्फ हलचल ही दिखाई देगी। इन हलचल भरी सड़कों को नापते हुए और मेट्रो पकड़ने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं गीजा मेट्रो स्टेशन। तो रामसेस ट्रेन स्टेशन के पास एक मेट्रो स्टेशन था, वहां से हम लोगों ने मेट्रो पकड़ी थी। मेट्रो ने गीजा मेट्रो स्टेशन तक का £7 पर बंदा किराया लिया है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये गीजा का मेट्रो स्टेशन है। इससे बाहर निकलते ही हमें शेयर टैक्सीज नज़र आ रही हैं। अभी हम शेयर टैक्सी से पता करेंगे कितने पैसे लेंगे वो हमें पिरामिड तक ले जाने के लिए, और फिर पिरामिड के दर्शन कराएंगे आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही ये सारी मिनी बसेज हैं यहाँ पे, ये चलती हैं आपको लेके जाएंगी गीजा तक। तो चलो अभी हम देखते हैं कितने पैसे में पहुँचेंगे वहाँ तक। और ये होता है फ्रेंडशिप का फायदा। ट्रेन में हमें एक दोस्त मिला था मुस्तफ़ा, ये जो भाई है ये उसका कज़न है, ये हमें गीज़ा घुमाने के लिए आया ताकि हमें कोई परेशानी ना हो लोकल लैंग्वेज में। तो अभी हम ट्रांसलेटर यूज़ करके भाई के साथ पूरी बातचीत कर रहे हैं और जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको ज़रूर बताएंगे। और ये बैठ गए हम मिनी बस में, अभी पता लगेगा इसका किराया कितना है। हाँ, पूछते हैं अभी। तो बस यही भाई आया था हमारे साथ, अब ये वाले भैया भी मिल गए हैं, ये अलेक्जेंड्रिया से हैं, ये पूरी मदद कर रहे हैं। अभी हमें टिकट के पैसे भी नहीं देने दे रहे। बट हमने फिर भी दे दिए हैं। जो टिकट की कॉस्ट है वो है £4 पर पर्सन, जो आपको मिल जाएगी गीजा मेट्रो स्टेशन से पिरामिड्स तक की, क्योंकि पिरामिड्स जो है वो कायरो का पार्ट नहीं है, वो एक अलग सिटी है गीजा, जो कि अराउंड 15 मिनट की दूरी पे है फ्रॉम रामसेस रेलवे स्टेशन। मिनी बस से उतर के हमने लिया है ऑटो टूवर्ड्स गीजा। पता नहीं शायद कितनी दूर है वो, अभी हमें पता चलेगा कितनी दूर है इसका। तो अभी हम लोकल की तरह बैठ के ऑटो में टूर कर रहे हैं। ये देखो, ये है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ पिरामिड्स, ये पीछे बिल्डिंग है। तो हम इस ऑटो से आए थे और अभी हम उतर चुके हैं। और हम कोई ना स्टूडेंट वे होता है पिरामिड्स को देखने, एक तो टूरिस्ट वे है, एक है कोई लोकल या स्टूडेंट वे। एक्चुअली हमें जो ये लोकल गाइड जो हमें भैया मिले हैं उन्होंने बताए, और यहाँ से जो तीन पिरामिड, जो मेन पिरामिड्स हैं तीन, उसका क्लियर व्यू दिखता है। और यहाँ पर टूरिस्ट आते नहीं है क्योंकि उनको लेकर ही नहीं आया जाता है, वो हमेशा मेन डोर से एंट्री करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हमें मिली थी ऑटो में बैठ के। अब एग्जैक्ट कितनी अच्छी है, सही है, कहीं हम स्कैम में तो नहीं फंस रहे, वो अभी हमें नहीं पता। बट अभी तक तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं लोकल लाइट को। तो लेट्स सी कि कितना वैलिड है कितना वैलिड नहीं है। मुझे यहाँ से तो भाई बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, लेट्स सी क्या होता है। ने ये कैरेज किया है, ये बोल रहे हैं कि आपको कैरेज लेना ही पड़ेगा। कैरेज तो घोड़ा लो। हाँ। तो हमने सोचा साथ में ही रहेंगे दोनों, तो कैरेज ले लेते हैं। हाँ। और जो हमारे साथ भाई आया था उसे हमने घोड़े पे बिठा दिया है, तो वो घोड़े पे जा रहे हैं। कुछ समस्या नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। मैं कह रही ना कि अभी पता नहीं है कि हम एक स्कैम में ना फंस जाएं। हाँ, बट वी आर जस्ट फॉलोइंग देम, लेट्स सी। हाँ, थोड़ी देर में पता लगेगा क्या हो रहा है हमारे साथ। चीज का डर था जो मैं अभी बोल रही थी कि गेट है, स्टूडेंट गेट है, वो सीरियसली एक स्कैम था। हमें ऐसा एक टांगे पे बिठाया और थोड़ा सा आगे लेके जाके बोलते कि तीन रास्ते हैं, एक है लॉन्ग रूट, एक है शॉर्ट रूट और एक है मीडियम रूट, कि जहाँ पर तीन पिरामिड देखेंगे, आठ पिरामिड देखेंगे, नौ पिरामिड देखेंगे, कुछ ऐसे करके लॉजिक था। और उन्होंने अपना बोलना स्टार्ट किया £700 से लेकर कुछ £700 पर पर्सन से लेकर कुछ £2200 तक का है आपको देना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप इस रूट से जाओगे तो ये पैदल का रूट नहीं है, ये वो ब्ला 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 ब्ला, और वो फिर रोक ही नहीं रहा, टांगा नहीं रोकेगा तो हम लोग उतरेंगे कैसे। तो ये एक स्कैम था जिसपे हम लोग बच गए, हम नहीं फंसे। हमने उसको गुस्से से बोला कि तू उतार रहा है या फिर मैं पुलिस को कंप्लेन करूं। तो फिर फाइनली उसने अपना वो टांगा रिक्शा रोका और अब हम पैदल पैदल, किस चीज़ के देने यार पैसे, वो कह रहा है आपकी टिकट इंक्लूडेड है। स्कैम होते होते हमसे अभी बच गया है, फिलहाल फर्स्ट स्टेप तो बच गया है, आगे अब कितना बचेगा नहीं बचेगा वो हमें नहीं पता है। सो वी आर जस्ट गोइंग कि जो गवर्नमेंट ने जो रास्ता बनाया है हम उसी रास्ते से जाएं, और जितनी भी टिकट की कॉस्ट है ऑब्वियसली वो देनी है टिकट की कॉस्ट, और फालतू में ये घोड़े खच्चर ऊँट इन सब के उसमें ना फंसे। तो शायद इसीलिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ट्रांसलेशन ऐप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अरेबिक और इंग्लिश का यहाँ बहुत लॉजिक है। आप यहाँ से आते हैं टूवर्ड्स पिरामिड्स, और ये है पिरामिड्स की एंट्री इस साइड, और आपको ये जो दिख रही है लेन, ये है टिकट काउंटर लेन, जो जेन्युइन टिकट काउंटर लेन है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बोलता ना कि मैं आपको कहीं बैक डोर से लेकर जाता हूँ या कोई स्टूडेंट कार्ड से लेकर जाता हूँ या ब्ला 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 कुछ भी आपको बोले, आपको नहीं विश्वास करना अभी हमारे साथ जो हुआ, बट हम बच गए तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी हो। तो ये जेन्युइन टिकट की लाइन है, और देखो यहाँ से मैं आपको ना पिरामिड का एक छोटा सा व्यू भी दिखाती हूँ। यही है द ग्रेट पिरामिड्स, यह है वो एरिया जहाँ से आप आते हैं, आसपास की मार्केट देख लो, और ये है टिकट की लाइन जहाँ से आपको टिकट मिलेगी। मैं आपको टिकट के प्राइस भी एक बार दिखा देता हूँ, और फिर इसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा जो गगन स्कैम बता रही थी। तो फाइनली हम लोग पिरामिड के अंदर आ गए हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला था कि जो गगन ने इन्फॉर्म किया था कि एक स्कैम होते होते बचा है, तो अब जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो रियलाइज़ हो रहा है कि वो स्कैम ना शुरू हुआ था मेट्रो स्टेशन से निकलते ही। एक आदमी हमारे पास आया अपने बच्चे के साथ, और मेरे को लग रहा है बच्चा इसलिए था कि वो कॉन्फिडेंस जीत सके। उसने बोला मैं अलेक्जेंड्रिया से हूँ, और जो हमारा दोस्त है ये थोड़ा सीधा है, इसको भी लगा कि ये ओरिजिन जेन्युइन बंदा है। वो हमें कहीं पीछे पीछे लेके आया कि मैं तुम्हें लोकल इजिप्शियन की तरह लेके जाऊँगा, टूरिस्ट की तरह लेके नहीं जाऊँगा। वो हमें लोकल लेके आ गया। उसके बाद मुझे तो अब लग रहा है कि वो उनकी स्कैमर्स की टीम का ही पार्ट था। वो खुद उस पर घोड़े पर बैठ गया, अपने बच्चों को बिठा लिया, हमें चैरियट में बिठा दिया, और बोल रहा है कि हम घूमने जाएंगे। और जैसे ही हमने बोला कि नहीं हमें चैरियट में नहीं बैठना है, हम उतर रहे हैं, हमने अपने बंदे को उतार लिया, वो खुद भी उतर गया। और पहले उसने एक अच्छा इंसान बनने के नाते क्या किया, हमारे ऑटो के 30 पाउंड लगे थे, वो 30 पाउंड खुद दे दिए कि कोई बात नहीं, यू आर माई गेस्ट, आई विल पे। आई थिंक वो सब ट्रस्ट जीतने के लिए कर रहा था। और जैसे ही हम लोग चैरियट से उतरे, भागता आया हमारे पास, कहता 20 पाउंड दे दो मेरे ऑटो के, और 20 पाउंड लेके चला गया। तो एकदम से दिमाग चमका कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है। तभी गगन और मैंने डिसीजन लिया कि भाई अब तुरंत कूदेंगे और खुद जाएंगे नॉर्मल तरीके से। तो फाइनली हमने एंट्री कर ली है, पिरामिड के अंदर जाने की भी हमने टिकट ली है। तो बस अब इन टिकट के साथ हम लोग अंदर जा रहे हैं, एंड वी विल एंजॉय पिरामिड्स, और उसकी एक झलक ये आप देख लीजिए, अमेजिंग। देख रहे हो तो ये आपको बार बार बोलेंगे बैठ जाओ, मैडम, इंडिया, शाहरुख खान, तो ये सब आपके पीछे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस आपको एक चीज करनी है, आपको सुनना नहीं है, इग्नोर, जितना इग्नोर कर सकते हो उतना इग्नोर करना है। बाकी ये जो मोमेंट है ना, ये आई थिंक लाइफ में एक ही बार आता है, तो उसको इंजॉय करना। ठीक है, ये स्कैम पैम ये सब तो चलते रहते हैं लाइफ में, और ये चलते रहेंगे। ठीक है, आप आए हो, इंजॉय करो, फिनिक्स देखो, 3 पिरामिड्स देखो, अपने फोटोग्राफ वीडियो ये सब बनाओ, ये स्कैम ये सब, बैठो घोड़े में बैठो, हाथी में बैठो, ये सब चलता रहेगा। यू जस्ट नीड टू से नो एंड इग्नोर एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, तो अभी हम बात करते हैं टिकट की। तो टिकट का जो प्राइस है वो है 240। देखो ये देखो फिर से परेशान कर रहा है, तो इग्नोर करते हैं इसको। ठीक है, तो टिकट का प्राइस है वो है 240 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आपको पिरामिड के अंदर जाना है तो 3 पिरामिड है यहाँ पर मेन, मंकारे, खोफू एंड खाफरे। मंकारे जो है वो क्लोज था हमारे केस में, 2 पिरामिड थे खाफरे और खोफू, तो हमने टिकट ली है खाफरे की। उसकी जो अंदर जाने का जो प्राइस है वो है 100 इजिप्शियन पाउंड, और खोफू का आई थिंक महंगा था, उसको कुछ 220 या 230 कुछ ऐसा था, तो हमने सस्ते वाले ही लिया, यही सोच के कि यार अंदर ही तो जाना, सारे पिरामिड एक जैसे ही तो होंगे अंदर से, बट जाना भी ज़रूरी है तो एक्सपीरियंस लेना बनता है। ठीक है, हाँ, तो हमने खाफरे वाला लिया, मैं एक बार कन्फर्म कर रही थी, 100 पाउंड पर पर्सन, और जो दूसरा था खोफू था वो थोड़ा महंगा था, 220 या 240 कुछ ऐसा था, बट विच इज़ फाइन, अगर आप आए हो इधर तो देखना बनता है। 3 पिरामिड मेन है, फिर से बोल देती हूँ, खोफू, खाफरे, मंकारे, और एक है स्फिनिक्स, जो कि मेरे वो पीछे दिख रहा है,
ये रहा। ठीक है जी, तो अभी हम बार बार का व्यू ले रहे हैं, फिर अभी हम थोड़ी देर में अंदर अंदर का भी व्यू लेंगे। विल एंजॉय। तो अभी सूत्रों से खबर मिली है कि ये वाला है खोफू, ये वाला है खाफरे, और पीछे छोटा सा जो अभी दिख रहा है वो है मंकारे। ये है तीन मेन पिरामिड्स। अभी हम लोग जा रहे हैं खोफू की तरफ, वहाँ थोड़ा फोटो फोटो खिंचाएंगे। पिरामिड की अच्छी फोटो खींचने के लिए हम लोग चल दिए हैं पत्थर पत्थर महमूद भाई के साथ। फाइनली ये तीनों पिरामिड्स मेरे बिल्कुल पास में है, और इतना ही अच्छा लग रहा है इनको देख के। ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं सपना ही देख रही हूँ, मैं इंडिया में बैठ के रिसर्च कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है। प्लीज कम टू गीजा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो ये पिरामिड है, ये ऐसा माना जाता है कि 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। आप ये नजदीक आके देखते हैं इनको, एक एक पत्थर इतना बड़ा है। बोले समझने वाली बात है कि इसको इतनी ऊंचाई तक, आई थिंक ये 140 मीटर के करीब हाइट है, और जब ये अपने टाइम में बनाया गया था तो ये कई सालों तक हाईएस्ट मैन मेड बिल्डिंग रहा था हमेशा के लिए। अब आप ये देखो, मेरे साइज के अकॉर्डिंग देखो कितना बड़ा पत्थर है ये, और ये वहां तक कैसे लेके गए होंगे नो क्लू। मतलब इंजीनियरिंग दिमाग, मैकेनिकल रैंप क्या बनाया होगा, कितना लंबा रैंप बनाया होगा, कोई आइडिया नहीं है। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज अमेजिंग। तो मेरा फाइनली सपना पूरा हुआ कि मेरे को पिरामिड्स आना था और उनको टच करना था, और मैंने कर लिया। ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, I'm feeling very happy. खोफू पिरामिड जो मेरे पीछे है वो सबसे लार्जेस्ट पिरामिड है, और इसका जो वजन है वो है 16 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर। तो उस जमाने में पता नहीं इन्होंने कैसे इतने भारी भारी पत्थर ले आए होंगे यार। खोफू पिरामिड के सामने बहुत सारी फोटोज वीडियोज बनाने के बाद अब हम जा रहे हैं खाफरा के अंदर। अंदर का मतलब पिरामिड के अंदर जाने की टिकट हमने ली है, जो बताया था गगन ने, £100 की है। तो देखते हैं कि अंदर से पिरामिड कैसा दिखता है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी सिटी बसी हुई है, और ये पूरा का पूरा रेगिस्तान जिसके बीचों बीच हैं ये सारे पिरामिड्स। तो ये अंदर प्रॉपर रोड्स बनाई हुई है जहाँ से आप टांगर लेके आ सकते हो, या देखो पर्सनल कार्स भी आती हैं, तो अगर आप कैब लेते हो तो कैब ड्राइवर से बात कर लेना, वो भी अंदर तक आपको लेके आ सकता है, तो आपका चलना फिरना बच जाएगा और आप कार से इन पिरामिड्स का मजा ले सकेंगे। और ये है खाफरे पिरामिड जिसके अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं, और उधर इसका टिकट काउंटर है जो अभी हम आपको दिखाएंगे। और खाफरे पिरामिड जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड है आफ्टर खोफू। हम अपनी टिकट्स दिखाने के लिए जा रहे हैं, ये सामने बना हुआ है काउंटर, फिर जाएंगे अंदर। ये रास्ता काफी पतला है, या तो आप अंदर जा सकते हैं या अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो ये पिरामिड ब्यूरियल चैम्बर्स हैं, इसमें किंग की डेड बॉडी को रखा जाता था आफ्टर ममीफाइंग। बहुत ज्यादा ध्यान से चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत छोटा है और बहुत ज्यादा स्टीप है। एक रास्ता है जो अभी बंद कर दिया है, शायद वहीं पे ममीफाई करके रखा होगा, क्या कहती हो? हाँ, और ये है अंदर से पिरामिड, कितने सॉलिड है यार, बहुत भारी पत्थर है। नाइस एक्सपीरियंस ऑफ पिरामिड्स। तो भाई सीधे भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, छोटी सी जगह है, और ये है पिरामिड क्योंकि तुम छोटी हो। हाँ, तो हाइट इतनी सही है। तो हो सकता है इजिप्शियंस की हाइट भी इतनी हो। हाँ, तो तुम छोटी पैदा इसीलिए हुई हो ताकि तुम सीधी खड़ी हो सको। करेक्ट, इजिप्ट में आगे पिरामिड्स में आगे। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। चलो बाहर चलते हैं। अभी हम लोग एग्जिट करते हुए पिरामिड में से, जैसे एंट्री की थी वैसे ही कुब्बे होके एग्जिट करनी है। गगन को फायदा, सीधी खड़ी होके जा रही है। ये है भाई, यहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती थी राजा की कॉफिन, और इसे बोलते हैं ब्यूरियल चैम्बर, जहां राजा का शव रखा जाता था। वो एग्जिट नहीं थी, वो ममीफाई करके जहां रखते थे कॉफिन था। तो कॉफिन देख के आए हैं, अब बाहर जा रहे हैं। है तो थोड़ा टायरिंग क्योंकि ह्यूमिड हो जाता है, पसीने आ जाते हैं, तो इट्स नॉट इजी। और ये मैडम पहुंच गई खाफरा पिरामिड को टच करने के लिए। तो भाई बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, दिसंबर का महीना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मध्यम मध्यम सूरज पड़ रहा है, दिल खुश कर देता, मजा आ रहा है घूमने में ना, वॉक करने में। ये देखो
जहाँ देखो वहाँ पिरामिड, यहाँ पिरामिड, वहाँ पिरामिड, जहाँ देखो वहाँ पिरामिड। वाह भैया वाह। पीछे जो ये पिरामिड है, ये है तीसरे नंबर का पिरामिड, जो थर्ड लार्जेस्ट पिरामिड है, और इसका नाम है मंकारे। तो हमारे जो लिस्ट में तीन पिरामिड्स थे, खोफू, खाखरा और खाफरा, सॉरी खोफू, खाफरा और मंकारे, वो तीनों अभी कवर हो जाएंगे। और एक और चीज़ बतानी है, यहाँ की टाइमिंग्स, पिरामिड्स की जो टाइमिंग है एरिया का, वो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का, 8 to 4 है। और प्लस यहाँ पे अगर आप गीज़ा में ही रुक रहे हो, अपना होटल स्टे आपका अगर इधर का ही है, तो यहाँ पर ना रात में पिरामिड्स के नीचे ना लाइटिंग लगा रखी है, तो बहुत कलरफुल सी लाइटिंग भी होती है, तो आप मतलब वो आप एक डिस्टेंस से भी देख सकते हो। हमने यहाँ पर नहीं लिया अपना स्टे, हमने लिया है कायरो में ही, जैसे आपको पता है। यहाँ पर इसलिए नहीं लिया, इसका रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी एरिया है ये, और काफ़ी कॉस्टली था, तो हमें ऐसी टूरिस्टी और ऐसी जगह में आने का कोई ऐसा लॉजिक था नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ ना लेकर गीज़ा में रूम हमने कायरो सिटी में ही लिया, क्योंकि 4 दिन का हमारा स्टे वहीं का ही है। तो एक ही बार भैया जाओ, लगेज अपना खोलो, और फिर उसी दिन वहीं से ही आप एग्जिट कर लो सेम होटल से। तो ये रीज़न था, हमने गीज़ा में ना लेकर हमने कायरो में लिया। अगर आपको इंटरेस्टेड हो गीज़ा में लेने में, तो आप गीज़ा में भी ले सकते हो। थोड़े रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे, वो अच्छे नहीं थे गीज़ा के होटल्स के, टूरिस्ट के साथ थोड़ा बिहेवियर के, दैट वॉज द रीज़न। चलो अब हम चलते हैं मंकारे की तरफ। और ये मैडम अब तीसरा मंकारे, मंकारे पिरामिड को टच करती हुई, टच कर लिया। और ये तो मुझे लग रहा है ग्रेनाइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये है मंकारे पिरामिड, जो कि बंद है, तो आप बाहर से ही इसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो चलो अब एक और नई जगह। ये भैया बिल्ली बेच रहे हैं 100 रुपए में, मतलब वो इंडियन रुपीज भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। लोग लगभग 1:30 बजे पहुँच गए थे, तो अभी 2.5 घंटा कम पड़ गया, क्योंकि 4 बजने वाले हैं, बंद होने वाला है। फ़ोटो वीडियो इन्जॉय करते करते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बस हमारा अब लास्ट पॉइंट रह गया स्फिनिक्स, जो कि सामने नज़र आ रहा है, पर टाइम बचा है सिर्फ 7-8 मिनट। लेट्स सी कि कवर हो पाता है या नहीं, पर बहुत मज़ा आया पिरामिड्स देखने के बाद, तो यार दिल खुश हो गया। ट्रेन स्पीड में भागती हुई स्फिनिक्स कवर करने के लिए, रन रन रन, फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। स्फिनिक्स पावरफुल गॉड सन का ही एक रूप है, जो कि एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। तो हमारा एक्सपीरियंस पिरामिड्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो फकअप सा हुआ, स्कैम था वो बेसिकली, तो वो ठीक है, इतना तो चलता है यार, मतलब इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इजिप्शियन लाइफ अगर आप एज अ टूरिस्ट आते हो तो। मगर ओवरऑल बहुत मज़ा आया, मतलब एक एक्सपीरियंस था मन में कि करना है करना है, पिरामिड्स जाना है, तो फाइनली वो भी हो गया। और अभी हम निकल चुके हैं, क्योंकि 4 बज गए हैं, और हम लोग वही मिनी बस लेकर जाएंगे गीज़ा मेट्रो, फिर वहाँ से हम जाएंगे रामसेस अपने, या तो अपने होटल जाएंगे, मतलब वही BNB, या फिर शायद नाइल रिवर जाएंगे, नॉट श्योर। बट पहले हम यहाँ से मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर देखते हैं प्लान क्या करना है। तो हमने करी थी मिनी बस, मिनी बस आपको मिल जाएगी गीज़ा से, आप पिरामिड से आप 200 मीटर एग्जिट से 200 मीटर की तरफ आप निकलेंगे मेन रोड पे, तो आप पूछ लेना वहाँ से गीज़ा मेट्रो, तो आपको मिनी बस आराम से मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल ही मेट्रो स्टेशन उतारेगी। और हमें उतारा है उसने 6 पाउंड पर पर्सन में, और अब हम थोड़ा 50 मीटर की दूरी पे ही है मेट्रो स्टेशन का जो एक्चुअली स्टेशन है, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से हम जाएंगे रामसेस, और फिर हम निकलेंगे नाइल रिवर के टूर पे। तो बेसिकली वो भी ना शेड फेरी चलती हैं, तो शेड फेरी का हिसाब पता नहीं है कहाँ से चलती है, वो भी थोड़ा सर्च करना है, कर लेंगे, निकले हैं तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। तो अभी हम खड़े हैं तहरीर स्ट्रीट में, और मेरे पीछे जो आप बोट देख रहे हैं, ये वाली शेड बोट चलती है, ये हाफ एन आवर की आई थिंक राइड है, जो आपको पूरा नाइल रिवर घुमा देगी। ये आप ऊपर जो ब्रिज देख रहे हैं, ये है नाइल ब्रिज, या नील ब्रिज भी बोलते हैं इसको यहाँ पर इजिप्शियन लैंग्वेज में। जब हम इस ब्रिज पे खड़े थे, तो हमने पूछा कि क्या चार्जेस हैं बोट के, और कैन यू इमेजिन उन्होंने हमें चार्जेस क्या बताए। उसने हमें बोला 400 इजिप्शियन पाउंड, और शायद वो हमें प्राइवेट बोट के चार्जेस का रेट बता रहा था, बट हम उसे कह रहे थे हमें शेड बोट में जाना है। अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि शेड बोट के चार्जेस हैं 25 पाउंड या 30 पाउंड के राउंड है, और 400 और 25 में तो बहुत ज्यादा फर्क है। एक बेस्ट तरीका है, ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज के बिल्कुल एंड पे आपको एक कियोस्क दिखेगा,
वहाँ पर आपको बोलना है कि टिकट चाहिए मेरे को गार्डन की एंट्री की। तो गार्डन की एंट्री से आप या तो गार्डन घूम सकते हैं, दूसरा रास्ता सीढ़ियों से नीचे उतरता है जो आपको ये शिप पे लेकर जाता है। गार्डन के जो चार्जेस है वो है 10 pounds पर पर्सन। आप गार्डन में आराम से घूम सकते हैं। और अभी एक काम करते हैं, अब सीढ़ियां उतरते हैं, नीचे वो बोट दिख रही है हमें, इससे पहले कि वो बोट निकल जाए उसके चार्जेस पता करते हैं कि क्या चार्जेस है। इस शेयर्ड बोट के अलावा आप प्राइवेट बोट में ऐसे डिनर भी प्लान कर सकते हैं, जो ये सुंदर सी बोट आपके सामने से जा रही है और नाइल रिवर के दीदार कर सकते हैं, बे इंतहा दीदार। तो भाई फाइनली हमारी जो बोट बोट राइड थी नाइल रिवर में वो हो गई है। और एक्चुअल प्राइस कितना लिया मैडम? 25 pounds per person। लेकिन मजे की बात यह कि जब हम बिल्कुल बोट में चढ़ भी रहे थे, घुस भी रहे थे, ऐसे, ऐसे कदम लग रहे थे, तो भी लड़का कह रहा है 100 pounds। भाई फिर उसको समझाया कि हम पता करके आए हैं आसपास से 20 pounds लगते हैं। फिर कहते नहीं 25, मिनिमम 25। फिर हमने कहा चल 25 ले ले। तो गुस्सा आ गया, 100 pounds क्यों करता है। हाँ टूरिस्ट आएंगे ही नहीं फिर करोगे क्या, घुमाते रहना अपने आप को। पर अभी तक का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल इजिप्ट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। पर जो लोकल आइटम उनका भी ये कहना है कि जो भी लोग टूरिज्म में इन्वॉल्व है वो थोड़े से हमेशा काटने का वो रखते हैं थॉट प्रोसेस कि हम टूरिस्ट को काट लें और उसके जेब से पैसे निकाल लें। तो जब आप कायरो में हो तो आपको काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है, ड्यू डिलिजेंस करो, आपको कोई नहीं लूट सकता, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसे लुंज पकौड़े की तरह, हम पंजाबी में बोलते हैं लुंज पकौड़े की तरह घूमना नहीं है, बिल्कुल चंग चलाक बन के घूमोगे। हाँ। तो कम कटेगा, देखो कटेगा तो सही, कटेगा कटेगा तो सही। पर ओवरऑल नाइल क्रूज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम यही प्राइवेट बोट में लेते तो बस थोड़ा लग्जरी हो जाता, पर नाइल रिवर वही थी, माहौल वही था, इसमें म्यूजिक बड़ा मस्त बज रहा था भाई। हाँ एकदम से हबीबी वाले गाने बज रहे थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सिल्वी? तहरीर स्क्वायर। सुना है बहुत बढ़िया मार्केट है, वहाँ जाते हैं कुछ खाने पीने का ढूंढेंगे शायद। हाँ क्योंकि वो इट्स लाइक सीपी ऑफ दिल्ली, बट एग्जैक्टली वहीं जाके पता चलेगा। तो वहाँ पर ऐसे कटने का लूटने का कोई लॉजिक मुझे लग नहीं रहा है, बाकी तो जाके ही पता लगेगा। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही है तहरीर स्क्वायर, और यहाँ पर बहुत सारे खाने के ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, हिल्टन, कार्लस्टन, अगर आपको क्विक बाइट लेनी है तो KFC है। यहाँ पर एक कायरो का एक फेमस है कुशारी, तो आपको पता ही डिश फेमस है, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, वो काफी फेमस है अगर आपको कुशारी ट्राई करनी है। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो रेस्टोरेंट। पूरे कायरो में मेट्रो की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, अगर आपको तहरीर स्क्वायर आना है तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सादत, SADAT। तो घूमते फिरते हम लोग पहुँच गए हैं अबू तारिक, और यही है वो जगह जहाँ पर बेस्ट कुशारी मिलती है। तो चलिए आपको वेजिटेरियन कुशारी अभी खिलाते हैं और बताते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ये थर्ड कुशारी होगी जो हम खाने वाले हैं। हाँ, एक हमने खाई लक्सौर में, दूसरी हमने खाई केना में वो भैया के घर, और तीसरे अब हम कायरो में खाएं। और ये आ गई हमारी कुशारी, साथ में चने, टोमेटो प्यूरी, फ्राइड ऑनियन, नींबू, और यहाँ पर है स्पाइस वाली चटनी, गार्लिक और नमक। मजा आ गया सही में। अबू तारिक में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल कुशारी ही मिलती है, कोई और डिश नहीं मिलती है। तो हम कुशारी खा चुके हैं, उसके बाद अब बारी है स्वीट डिश खाने की, और हमने ऑर्डर किया है उमाली, जो कि इजिप्ट की एक बहुत फेमस स्वीट डिश है। तो चलो आपको उमाली के दर्शन कराते हैं और इसके स्वाद के बारे में। वेरी नाइस यार, दूध को एकदम काढ़ काढ़ के खीर बनाई है, और जो हमारी खीर होती है उससे ज़्यादा रिच टेस्ट है और बहुत कम मीठा है, एकदम मज़ेदार है उमाली यहाँ की पास। तो अबू तारिक में एक ज़बरदस्त कुशारी और उमाली खाने के बाद, जिसका कॉस्ट प्राइस था सिर्फ 50 pounds, यानी कि 150 rupees में हम दोनों का डिनर हो गया। अब हमने लिया है ये मैंगो शेक जो है 12.5 pounds का, इस वाली शॉप से जो हमारे BNB के बहुत पास है, और यहाँ पर हम करेंगे इसका अंत। और एक चीज की ये मैंगो शेक नहीं है, ये मैंगो जूस है। हाँ, इट्स रियल मैंगो, प्योर मैंगो, प्योर मैंगो, स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉ से भी नहीं पिया जाएगा, ये सर एक चम्मच से पिया जाएगा ना, उतना ज्यादा प्योर मैंगो है। तो कल हम लोग जा रहे हैं अलेक्जेंड्रिया, आपको अलेक्जेंड्रिया का डे टूर कराएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर एक दिन में करने के लिए क्या क्या है। तो कुछ कहना चाहोगी तुम? नहीं, बस ये कहना चाहूंगी स्वस्थ रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें और घूमते जरूर रहें। हाँ, और सब्सक्राइब टू वजी वॉन्डर, दिस इज वजी वॉन्डर साइनिंग ऑफ।